ਜਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ कुछ दो बंदे राउंड अप भी किए उन्होंने तो पुछगिछ की जा रही उन्होंने को कुछ समान भी मिले कुछ नशीली चीज़ मिली आ कुछ नुकीली चीज़ मिली आ दरबार साहेब दे बिल्कुल नेड़े धमाके होना कोई आम गल नहीं हो सकती बिल्कुल जी इन्हों आम गल नहीं असं कह सकते बहुत वड्डी गल कुछ घटिया बंदे ये भी कहिंदे सी कच्छ कड़ा कृपान भेज देंगे पाकिस्तान ये भी उस टाइम कहिंदे सी गल घटिया बंदे दे सोच सी जिहड़े भारत नूं एक नहीं देखना चाहुंदे जो हमेशा ही दूजे धर्म नूं गेरना चाहुंदे हालात हुण भी कोई बहुत वधिया नहीं ये कर रहे लोग कि जिहड़े घटिया लोगों की घटिया मानसिकता हैगी आ ये पंजाब नूं की अग भी झोकना चाहुंदे 50 किलोमीटर तक BSF का कब्जा हैगा पंजाब ते 50 किलोमीटर का बहुत वड्डा एरिया बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया हो डेफिनेटली फिर भी दरबार साहब के नेड़े तीजा धमाका हो जाना कौन लोग ने सिखां दे प्रति सिखां दे मुद्दयां प्रति यह की हो ही रहा है ये लंबे समय तो चलता आ रहा सिखां नूं इन्ना बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही ਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਿਆ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ पर एक डर का माहौल जरूर बैठा राती 12 बजे के करीब नौनिहाल सिंह जिहड़े कि उत्थे पुलिस कमिश्नर हैगे आ उन्होंने पुष्टि की है कि राती 9 बजे राती 12 बजे बहुत वड्डा धमाका होया गुरु रामदास हाल जिहड़ी सरां हैगी आ उहदे नेड़े कुछ दो बंदे राउंड अप भी किए उन्होंने तो पुछगिछ की जा रही उन्होंने को कुछ समान भी मिले कुछ नशीली चीज़ मिली आ कुछ नुकीली चीज़ मिली आ जिहड़ी राउंड अप किए मुंडे बंदे आ दो ते एक कोई मैं कल भी गल आखी सी ये अज भी कह रहा गल कि दरबार साहेब दे बिल्कुल नेड़े धमाके होना कोई आम गल नहीं हो सकती बिल्कुल जी इन्हां नूं आम गल नहीं असीं कह सकते ये बहुत वड्डी गल है दरबार साहब गोल्डन टैंपल साडा सिखां दा बहुत वड्डा दर है जिसकी कि दुनिया शानी भरती है बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोग हर धर्म के लोग उत्थे नतमस्तक होंदे आ एक समा वो सीगा 84 वाला उदों भी दरबार साहब के कोले बीड़ियां दे बंडल तंबाकू इहो जिहियां इंतराज योग चीज़ां वस्तां उत्थे मिलियां लोग सुटदे सीगे कुछ घटिया बंदे कुछ घटिया बंदे ये भी कहिंदे सी कच्छ कड़ा कृपान भेज देंगे पाकिस्तान ये भी उस टाइम कहिंदे सी गल घटिया बंदे दे सोच सी जिहड़े भारत नूं एक नहीं देखना चाहुंदे जो हमेशा ही दूजे धर्म नूं गेरना चाहुंदे आ हालात हुण भी कोई बहुत वधिया नहीं ये कर रहे लोग कि जिहड़े घटिया लोगों की घटिया मानसिकता हैगी आ ये पंजाब नूं की अग भी झोकना चाहुंदे आ वैसे मैं ये गल नूं इमरान खान दे नाल नहीं जोड़ रहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई आ उत्थे बहुत खड़का हो रहा ता करके प्रॉब्लम आई आ इधरले पासे पर 50 किलोमीटर तक BSF का कब्जा हैगा पंजाब ते 50 किलोमीटर का बहुत बड़ा एरिया बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया हुआ डेफिनेटली फिर भी दरबार साहब के नेड़े तीजा धमाका हो जाना कौन लोग ने जो साढ़े सिखां दे जिहड़े वड्डा धार्मिक स्थान हैगा उस विच सहम दा माहौल बनाउणा चाहुंदे आ इत्थे कदे किसे बंदे नूं पेश करदे ने
एक बखरे तरह का मुद्दा बना के मीडिया कदे किसी बंदे नू पेश करन दा फिर बाद विच उसे बंदे दी पट्टी पोछदा मीडिया। मैं ना नहीं लै रहा तुहाडे पर पिछले दिनों दे विच ही बहुत बड़ा कर्मकांड वापरिया पंजाब दे विच, एक बंदे नू मीडिया ने बहुत उच्चा चक्या हालात बाद विच जदों मीडिया ने सुट्टिया हेठां उहनूं, पर मीडिया ने हालात इन्ने करते कि मीडिया थां थां ते गया उहदे नाल, उहदे घर वाले नूं बख्शी उहनां ने मीडिया ने। सिखां दे प्रति, सिखां दे मुद्दयां प्रति इह की हो की रहा है, इह लंबे समय तो चलदा आ रहा। सिखां नूं इन्ना बदनाम करन दी कोशिश क्यों कीती जा रही है? सिखां दे उहनूं सहम क्यों दित्ता जा रहा? सिखां नूं डराया क्यों जा रहा? हुण धार्मिक स्थान ते तीजा धमाका कौन लोग ने? मैं कोई पंजाब पुलिस की आलोचना नहीं कर रहा, पंजाब पुलिस बड़ी सतर्क हैगी आ, पर जिद्दां कल अते परसों लगातार फ्लैग मार्च होया, नफरी दिखाई गई है पुलिस वालों कि साड़ी बहुत पुलिस हैगी है, साढ़े कोले बहुत नफरी हैगी है, दिखाई गई है पुलिस वालों, दिखाई गई है ना, बहुत बड़े तौर दिखाई गई है। तो की गल एक लोगों भी सहम नहीं बैठा अजे पुलिस का कि पुलिस कुछ भी कर सकती है? ये दो धमाके करन तो भी लोग बच गए आ, जिहड़े दो बंदे दो धमाके करन तो भी बच गया दरबार साहब के नेड़े, आ तीजा भी करता की कारण है? ये बहुत गहर गंभीर तरीके भगवंत मान सर साहब नू सोचना होएगा, ये कोई सिंपल जी गल नहीं हो रही। दरबार साहब के नेड़े धमाके करने कोई आम गल नहीं हैगी, आम वर्तारा नहीं है कोई। मैं वैसे ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान का हाथ है, मैं ये गल आखूँगा नहीं, पर सानू हर एंगल तो गल करनी चाहिए आ, सानू हर एंगल तो इस दी पड़ताल करनी बनती है। निडर हाँ, निरपक्ष रहा, आजाद हाँ, सच कहा, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।